हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हम इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कैसे आप यहाँ पर पेंसिल्स में आपको ऑप्शन मिल रहा है मोबाइल, ये है मोबाइल। अब ब्लूटूथ को कैसे आप कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन है। मोबाइल को स्पीकर से कैसे आप कनेक्ट करेंगे, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर उससे पहले एक बार और कह चाहूँगी, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप देख रहे हैं A to Z टिप्स ऑनलाइन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेटिंग पर क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्शन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। ब्लूटूथ ओपन कर लेना है, अब ब्लूटूथ पर ही क्लिक कर देना है। पेयर न्यू डिवाइस पर क्लिक करना है, अब इसको ओपन कर लेना है। अब इसका नाम इसमें शो हो जाएगा, पेयर बन जाएगा। देखते इसका नाम शो हो रहा है या नहीं। अगर नेटवर्क फास्ट चलेगा तो ये वर्क कर जाएगा जल्दी जल्दी। तो यहाँ से आप कनेक्ट ही कर सकते हैं, बस पेयर आएगा, पेयर पे क्लिक कर देना। यहाँ पर इसका नाम इसमें शो होगा, उस पर क्लिक करना है, फिर कनेक्टेड हो जाएगा। आप कनेक्टेड लिखा हुआ होता है, ऐसा आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका नाम जो है इसमें शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है जैसे कि आपको बताई थी। और ये कनेक्टेड लिखा हुआ शो हो चुका है। अब कोई वीडियो आप चला सकते हैं और चेक कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वीडियो चला के चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ से आवाज़ भी तेज़ कर सकते हैं आप, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और ऐसी वीडियो चला सकते हैं, जो भी आपको इस्तेमाल करना है कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर यहाँ पर इसकी बात करें, इसको स्टॉप करना है तो स्टॉप भी कर सकते हैं आप। लॉन्ग प्रेस करना है इस पर ब्लूटूथ पर, और इसे स्टॉप करना है तो इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर डिसकनेक्टेड का आप डिसकनेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, तो फॉरगेट कर सकते हैं। डिसकनेक्टेड पर पहले आपको क्लिक करना है इस पर, उसके बाद फॉरगेट कर सकते हैं इसको। ये डिसकनेक्ट हो चुका है, फॉरगेट करना है तो फॉरगेट भी कर सकते हैं। फॉरगेट डिवाइस पर क्लिक करना है, फॉरगेट हो जाएगा। और इसे ऑफ कर देना है, इसे भी बंद कर देना है, और ये बंद हो चुका। ऐसे आपको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी डिवाइस में इसी तरीके से कनेक्ट करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।